हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल आरआरबी एनटीपीसी 2019। जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2019 के अंदर वैकेंसी निकली थी 35,277 पोस्टों पर, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट को लेकर जो बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि आपके एप्लीकेशन स्टेटस कब तक जारी हो सकते हैं एनटीपीसी के, और आपके एडमिट कार्ड कब तक आपके सामने आ सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो आपको बताना है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी सही आंसर लग रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए कि वर्तमान में भारत के अंदर कौन क्या है, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम की डेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट मार्च में संभव है आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा। देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा 35,277 पोस्टों पर निकाली गई एनटीपीसी भर्ती में 1,26,30,885 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। बाद में भारतीय रेल बोर्ड द्वारा इन पदों की संख्या को घटाकर 35,208 कर दिया गया। इन विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि के साथ साथ एडमिट कार्ड का भी बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड और एग्जाम की तिथि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। संभवतः जनवरी या फरवरी में एनटीपीसी की तारीख जारी कर दी जाएगी। तो इसमें भी संभावना ही लगाई जा रही है कि जनवरी और फरवरी के अंदर आपके एनटीपीसी की तारीख जारी कर सकते हैं। रेलवे भर्ती एनटीपीसी परीक्षा रेलवे अधिकारियों का जवाब है कि रेलवे अभी परीक्षा कराने के लिए एजेंसी की नियुक्ति पर काम कर रहा है। एजेंसी की नियुक्ति अभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही एजेंसी की नियुक्ति का काम पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड संभवतः मार्च में भर्ती की परीक्षाएँ आयोजित करेगा। और एनटीपीसी या ग्रुप डी में कौन सी भर्ती की परीक्षा पहले होगी यह तय नहीं हुआ है। हम दोनों परीक्षाएं साथ में भी आयोजित करा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि दोनों परीक्षाएं एक साथ भी आयोजित हो सकती हैं मार्च के अंदर। इसके अंदर संभावना बताई जा रही है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, और इसके अंदर जनवरी या फरवरी में इसके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा भी हो सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 28 फरवरी को जारी किया गया था, और इसके सीबीटी स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का तिथि का जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जून से सितंबर के बीच में बताया गया था। साथ ही इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड के द्वारा 35,208 पदों पर निकाली गई एनटीपीसी पदों पर तीन चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में आपके सीबीटी 1 होगा, उसके बाद में सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में आपका स्केल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी पहले चरण में पास नहीं होता है तो वह आगे के चरणों में नहीं जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों ने स्टेशन मास्टर तथा टैरिफ असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन किया था उन्हें CBT 1, CBT 2 और स्केल टेस्ट से गुजरना होगा। बाकी अन्य पदों के लिए CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा। उसके बाद पास होने वाले अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। साथ इसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि जो CBT 1 होने वाला है उसको किस प्रकार होगा। तो इसके अंदर आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और इसके अंदर आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 40 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी, 30 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी, और 30 नंबर की आपको रीजनिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर जो संभावना बताई जा रही है कि मार्च के अंदर आपके एग्जाम होने की केवल संभावना ही बताई गई है, और फरवरी या जनवरी के अंदर इसकी घोषणा की जा सकती है। और दोनों एग्जाम के लिए तैयार रहें, चाहे आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।